तो सीधे अपनी चर्चा पर वापस चलते हैं न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव। इस वक्त सीपीएम के विधायक विनोद निकोले मौजूद हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि लेफ्ट के प्रभाव वाला इलाका है, यहां पर धर्म परिवर्तन के कई किस्से सामने आए हैं, कई इंसिडेंट्स हुए हैं, कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और देवेंद्र फडणवीस का यह मानना है कि क्या इसके पीछे लेफ्ट का हाथ है, इसकी सीधा सच्चाई हम विनोद निकोले जी से जानते हैं। विनोद निकोले जी, मुझे बताइए कि क्या चोर गाड़ी में आता है, क्या चोर गेरुआ कपड़े पहनता है, क्या वहां पे जो आप गढ़ चिंचली नाम बता रहे हैं वहां पर लोगों ने इतना भी दिमाग अप्लाई नहीं किया और 3 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा? 3 घंटे में तो पालघर के मुंबई से पुलिस फोर्स आ जाती। देखिए, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि ये सब अफवाहें हैं और इसको पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है जानबूझ के। और जो हमारा मतलब लेफ्ट के ऊपर जो मतलब ये ब्लेम किया जाता है, तो वो जिस गढ़ चिंचले में जहां ये घटना हुई है वो ग्राम पंचायत बीजेपी के है, चित्रा चौधरी करके वहां की सरपंच है। ये जानबूझ के ये लेफ्ट को ब्लेम किया जा रहा है, लेकिन वहां पे लेफ्ट का कोई सदस्य या सरपंच नहीं है जहां पे ये घटना हुई है। पर आप विधायक तो है ना विनोद निकोले जी, पॉलिटिकल इशू बनाना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया कि इसके पहले सुनिए जरा गौर से सुनिए, इसके पहले दो ऐसे मतलब दो लोगों पे हमले हुए हैं। एक तो जो रेलवे कर्मचारी थे उनके ऊपर हुआ था, और ये सारणी करके गांव है वहां पे डॉक्टर पे हुआ था। तो मैंने ये बताया कि लोगों के सामने संत या कोई ये नहीं उनके सामने माने था कि चोर आते हैं, ऐसा उनके सामने था। अरे विनोद निकोले जी, ये लोगों के मन में मानसिकता ये थी कि लोग जो चोर आते हैं वो अलग अलग किस्म के कपड़े पहन के बदलाव करके आते हैं। मुझे ये बताइए कि चोरी हुई क्या वहां पर, कोई बड़ी चोरी हुई, कहीं लूटपाट हुई? और लॉकडाउन है क्या, लोगों को इतनी अकल नहीं है कि अपनी जान बचाना है तो सड़क पर ना निकले? जवाब दीजिए। देखिए, अब लॉकडाउन की आपने जो बात की, तो लॉकडाउन पे जो आपने बात की, तो जो ये भी जो गाड़ी अभी जो बुजुर्ग थे संत जो आए थे, जो बुजुर्ग थे वो भी लॉकडाउन में ही आए थे। अरे तो घर वापस भेज देते भाई, इस निर्ममता से इंसान की जगह हैवान बन के मारने की क्या जरूरत थी? क्यों मारा गया, इसका कोई तो जवाब होगा ना? उस बात को मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, आप सुनिएगा, उस बात को मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मुझे बताइए, चोरों की अफवाह थी 15 दिन से चल रहा था, आप लोगों ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया, वहां तो आपकी सरकार है। प्रशासन ने अभी जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू की। नहीं, अफवाहों पर, चोरों की अफवाह पर प्रशासन ने क्या किया? लोग क्यों इकट्ठे हो रहे थे, आपने क्या किया, एसपी ने क्या किया, डीएम ने क्या किया? अगर 2 वारदातें वहां पे हो चुकी थी, चोरी नहीं हुई थी, लेकिन लोग निकल रहे थे, ये क्या बात हुई? ये मैंने आपको बताया कि कई दिनों से ये चोरों की अफवाह फैल गई थी, हमने हमारे तौर पे लोगों को समझा था लोग, लेकिन लोगों के मन में ये एक दहशत पैदा हो गई थी कि चोर आते हैं, छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, कुछ लोग ऐसे चोर है कि वो गांव के कुएं में आके छूटते हैं पानी में, ऐसे इस प्रकार की सब अफवाहें फैलाई दी गई थी। पर ऐसा कुछ हुआ था क्या विनोद जी, बताइए ना? और आपने ये 2 घटनाएं, उनकी एफआईआर भी नहीं दर्ज हुई, पुलिस के पास बंदूक थी चलाई नहीं गई। मैं तो बोल रहा हूँ 3 घंटे ये ड्रामा चलता रहा, 3 घंटे में तो सीआरपीएफ आ जाती। जवाब दीजिए, उनकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में गई है, पुलिस डिपार्टमेंट में उनकी कंप्लेंट गई है, पहले कासा पुलिस स्टेशन में गई है। ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला जी को जोड़ता हूँ, फिर आचार्य विक्रमादित्य। मेरी 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 ये दरख्वास्त है कि इसको पॉलिटिकल इश्यू नहीं बनाया जाए, जिन्होंने ये किया है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन आज बेचारे जो आजू बाजू के गांव के जो महिला है, जो बच्चे है, जो आदिवासी लोग हैं, वो गांव में नहीं रह रहे, कहीं बाहर जाके सो रहे, जंगलों में जाके सो रहे, इस प्रकार की सिचुएशन वहाँ पैदा की गई है। सर बताइए ना, मेरा कहना यह है कि जिन लोगों ने दिखते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बाकी जो अन्य लोग आदिवासी जो बेचारे गरीब लोग है उनके ऊपर उनके ऊपर दहशत नहीं होनी चाहिए, वो अपने घरों में रहे, अपने गांव में रहे। मेरे भाई, वहां पर 300 की भीड़ जुटी, 2 संतों और एक ड्राइवर को पीट पीट कर बेरहमी से मार दिया, क्या आप ऐसी घटना की कल्पना भी कर सकते हैं? बताइए ना, कल्पना वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि ये सब दिख रहा है, वहां पे जो एक फोरे चौकी है उसके ऊपर सीसीटीवी के कैमरे लगे हुए, उनमें फुटेज है, वो सब मैं उस घटना पे जब भी गया, जब भी पुलिस वहां पे मौजूद थी, पुलिस ने मुझे बताया कि साहब जिस वक्त ये जब घटना हुई ये सभी सीसी कैमरे में सब फुटेज है, इसके ऊपर से हम लोगों को पकड़ने में, मतलब ठीक है ना, जो इसमें जो एक्चुअल दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए,
लेकिन जो लोग निर्दोष है, अरे मेरे भाई, घर में नहीं, विनोद भाई ये बताइए, विनोद भाई ये बताइए कि कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है जो हैवान बन गए लोग? क्या इतनी बेसिक कॉमन सेंस अकल नहीं है? क्यों हैवान बन गए? कोई जवाब तो होगा इसका। देखिए वो ट्राइबल एरिया है और हम भी देखो इसके पीछे क्या है, हम भी वो ढूंढने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप आइए, फिर आचार्य विक्रमादित्य और उसके बाद विराट वैभव जी, विधायक जी हैं वहां के। प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको कुछ समझ आ रहा है इसके पीछे? जी देखिए, देखिए ये कह रहे हैं कि, देखिए कह रहे हैं चोरी की केस है, तो चोरी की कोई केस है, चोरी की अफवाह है, चोरी की केस कोई नहीं है। आप कह रहे हैं कि भाई साहब प्रशासन बहुत चुस्त है और प्रशासन घोलवड़ में वाकई में जो रेलवे के कर्मचारियों को मारा जाता है उसकी FIR नहीं लेती है। पुलिस FIR तक नहीं ले और विश्वास वल्लवी की FIR तक नहीं ले, डॉक्टर विश्वास वल्लवी की तीन मामलों में जिसमें मृत्यु हुई उसमें तो FIR हुआ, जिसमें मृत्यु नहीं हुई उसमें FIR तक नहीं हुआ। तो FIR तक नहीं, लेकिन पुलिस बहुत अच्छी है। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि साहब जो है उसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है। आप धार्मिक एंगल कैसे नहीं है? आप बताइए, जो लोग जो 110 गिरफ्तारियां हुई हैं उनका वकालतनामा रखने वाला पीटर डिमेलो, क्या वहां का कुख्यात क्रिश्चियन मिशनरी से काम करने वाला NGO नहीं चलाता क्या? पीटर डिमेलो को आप पहचानते कि नहीं पहचानते हैं? और पालघर के कोर्ट में पीटर डिमेलो 110 जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी छुड़ाने के लिए वकालतनामा लगाने वाला पीटर डिमेलो का पास्ट क्या है? पालघर में क्या वो क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए काम करने वाले NGOs में से एक है कि नहीं है? और उसके बारे में उसको क्या कहा जाए? और इन सारी चीजों को आप छिपाएंगे? और जो लोग मारे गए उसमें से ड्राइवर गरीब परिवार का है, महाराष्ट्र की सरकार इतनी बर्बर है, इतनी संवेदनहीन है कि एक रुपए उसके परिवार को नहीं दिया जाता, कोई उसको देखने तक नहीं जाता, टच नहीं करते उसको लोग। अब इसके बाद भी आप कहते हैं कि इस पे भाई साहब कोई बोले भी नहीं, तो क्या करना चाहते हैं? तालिबान है ये कि हत्याएं कर दी जाएंगी कोई बोलेगा नहीं? क्या शरद पवार जो है भगवा वस्त्रधारियों की हत्या पर किसी के बोलने पर प्रतिबंध लगा देंगे? क्या आदरणीय उद्धव ठाकरे इस मामले पर किसी को बोलने नहीं देंगे? क्या ये चलेगा महाराष्ट्र में? लोकतंत्र समाप्त है? तालिबान का तंत्र चल रहा है क्या? ठीक है तपासे जी जवाब दीजिए, तपासे जी जवाब दीजिए, ये क्या है? विधायक जी को कुछ पता ही नहीं, हो गया साहब, दो लोगों को निर्मम तरीके से मार दिया गया, बस हो गया। मेरी बात सुन लीजिए जी, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी प्रेम शुक्ला जी ने बोला बहुत अच्छे बोले। मैं आपको प्रेम भाई, आप तो महाराष्ट्र में हमेशा अपने चैनल पे आते रहते हैं, आप बताइए कि वारदात के 48 घंटे के अंदर 110 लोग गिरफ्तार नहीं हुए क्या? हुए ना, रात भर पुलिस ने कार्रवाई करके लोगों को गिरफ्तार किया, 30 तारीख तक तो रिमांड में रखने का आदेश कोर्ट ने दिया हुआ है। मोटिव क्या है? लोग हैं जिनकी 18 उम्र से भी कम उम्र है इनकी, इसीलिए कृपया करके आप जो बार बार जताने का कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ये संतों के विरोधी है और इस प्रकार, मैं कतई नहीं कह रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ ये कैसे हो गया? दो में अगर वो चुस्ती है, जहरीला प्रचार ना करे, महाराष्ट्र की सरकार एक पारदर्शक सरकार है सर, बहुत अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूँ, पर सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए ये हो कैसे गया? आपके पास भी कोई जवाब नहीं है, CPM के विधायक के पास भी कोई जवाब नहीं है, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए तपासे जी, जवाब दीजिए। इतने सारे लोग कहां से आ गए? अरे वो कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है कि एक कोने में कुछ घटना घटी और दूसरे कोने को मालूम भी नहीं पड़ेगा, एक छोटा सा गांव है, छोटा सा कस्बा है, पर पुलिस चौकी के सामने अगर इतनी बड़ी दुर्घटना घटेगी तो सरपंच जो भारतीय जनता पार्टी का है, पंचायत समिति का, हमारा NCP का मेंबर, वो क्या नहीं आएंगे? लोग रास्ते पे नहीं आएंगे? अरे हिंदुस्तान में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो लोग इमीडिएटली आ जाते हैं। अब लॉकडाउन के अरे समय किसमें इतनी अकल नहीं थी कि उनकी जान पर चले? इसका जवाब दीजिए ना, 3 घंटे तक ड्रामा चला है, उतनी देर में मुंबई से CRPF आ जाती, बुलाई क्यों नहीं गई? जवाब दीजिए तपासे जी, मोनोलॉग मत करिए, भाषण देने के लिए नहीं बिठाया मैंने आपको, जवाब दीजिए पुलिस क्यों नहीं बुलाई गई अगर भीड़ हिंसक थी तो? वो लोग गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको जितनी नॉलेज आपको इस कोरोना वायरस की है शायद उन लोगों को नहीं पता। अरे कैसी बात करते हैं अनिल जी, इस 21वीं सदी में जहां हर इंफॉर्मेशन मोबाइल पे अवेलेबल है, अरे क्या 16वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं उनको? जवाब दीजिए। बचाने के लिए लॉकडाउन के समय लोग नहीं आए क्या, वो बताइए?
तो इस प्रकार तपासे जी क्या बात कर रहे हैं। मैं सीधे विवेक विराट के पास जाऊंगा। विवेक विराट, कोई तर्क समझ में आता है? क्यों हुआ, क्या हुआ, किस लिए हुआ? विनोद जी आपके सामने सवाल पूछिए। तपासे जी बिल्कुल पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। विनोद जी तो भी काम की बात कर रहे हैं, बताइए। दीपक जी विनोद जी का कहना है कि इससे पहले भी वहां दो घटनाएं हो चुकी हैं। अगर वहां दो घटनाएं हो चुकी थी तो ये विनोद जी ने या पुलिस प्रशासन ने उस पर अगर कार्रवाई की होती तो ये तीसरी घटना कैसे घटित हो जाती? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के तहत संतों को मरवाया गया है और वीडियो में बकायदा दिख रहा है कि कैसे पुलिस वाले के पीछे वो छुपे हुए हैं और पुलिस वाले उनको भीड़ के सामने लाके अपना हाथ झटक देते हैं और उसको वो डंडों से, जिनको ये नाबालिग बता रहे हैं, डंडों से बड़ी बेहरामी से, बड़ी क्रूरता से, बड़ी निर्दयता से उनको मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। ये नाबालिग लोग हैं। ऐसे नाबालिगों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, अब तक सूली पे चढ़ा देना चाहिए। 5 दिन हो गए संतों की हत्या पे और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सिर्फ 101 लोगों को अरेस्ट कर लिया, बस इससे ही हो गया? ये नहीं सहा जाएगा। सीबीआई जांच के साथ कहीं ना कहीं जो ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, इस षड्यंत्र के पीछे कौन सी मशीनरी काम कर रही है, उन मशीनरियों का पर्दाफाश होना चाहिए। क्योंकि ये संतों का अपमान नहीं है, ये देश का अपमान है, ये मातृभूमि का अपमान है, ये भारतीय संस्कृति का अपमान है। उसके ऊपर एक कुम्हाराघात है जिसको इन्होंने हत्या कर दी गई। परंतु एक ऐसे चोरी का उन्होंने कुछ नहीं किया। अरे अभी अभी बताया गया कि जो घटना पहले हुई उसकी एफआईआर दर्ज हुई है, कार्रवाई कर रही है, एफआईआर दर्ज हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। तो फिर जो काले साहब को निलंबित किया गया, उन्हीं काले साहब ने जो चारोटी में जो हुआ, जो घटना हुई है, उसमें कई लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई। अच्छा, विनोद जी खाली होके जंगलों में सो रहे थे। मुझे मिले तो मैंने बोला कि जो जो लोगों ने ये किया है, लेकिन अन्य लोगों को घर में होना चाहिए। विनोद जी सिर्फ एक बात बताइए। जो महिला है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको घर में रहने दो। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि पिछले जो दो घटना हुई है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, तो कार्रवाई हुई है। विनोद जी सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, पालघर कोई बहुत दूर नहीं है, वो इलाका मुंबई से बहुत दूर नहीं है। अगर इतनी देर वहां ड्रामा चलता रहा, कोई बोलता है 1 घंटा, कोई बोलता है 2 घंटा, कोई बोलता है 3 घंटा, तो मुंबई से सीआरपीएफ मंगा लेते, उनको बचा लेते। जान बहुत कीमती है सर, चाहे वो हिंदुओं की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, पारसी की हो, किसी की भी हो। क्या पुलिस को जरूरी नहीं लगा कि बुला ले और बल, अगर इस तरह के हालात थे, क्यों सौंप दिया गया भीड़ की तरफ से पुलिस को, बताइए। पुलिस देखिए, मैंने वही उसी बात में मैं बार बार वही बुझाना चाहता हूँ कि पहले भी दो घटनाएं हुई है, उसकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी है, ये तीसरी घटना हुई। वो जो बताया गया छोड़ दीजिए, दो घटना की कोई चोरी नहीं हुई, अफवाह उड़ी, मुझे सिर्फ बताइए, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अगर संतों की जान खतरे में थी, अगर संतों की जान खतरे में थी तो और सुरक्षा बल क्यों नहीं मंगाया गया? पुलिस ने फोन करके ये क्यों नहीं बोला कि पैरामिलिट्री बुला लो, कोई कंपनी बुला लो, रिजर्व बटालियन बुला लो, क्योंकि 3 जान बचना जरूरी थी ना निकोले साहब? ये क्यों नहीं किया पुलिस ने, इसका क्या जवाब है? जान बचनी चाहिए, किसी की जान लेने की किसी को कोई अधिकार नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पुलिस ने अतिरिक्त बल क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया पुलिस ने? संतों की जान बचाने की कोई कोशिश ही नहीं की गई वहां पर? हाँ, वो उसका जवाब भी पुलिस को पूछ रही है सरकार। आपके पास भी जवाब होना चाहिए सर। चालू है, कार्रवाई चालू जारी है। आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है, प्रेम शुक्ला लगा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस लगा रहे हैं, ये सब झूठ है, ये सब गलत है। जहाँ जहाँ जिस गांव में ये घटना हुई है, उस गांव में सरपंच और पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रभाव है वो बीजेपी का है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रभाव वाला इलाका है, क्या बीजेपी की सरपंच चित्रा वहां पर मौजूद थी? देखिए, आप इसमें भी समझ लीजिए, इसमें नहीं, इसमें भी दीपक जी इनके झूठ को
इनके झूठ और षड्यंत्र को इसमें भी पर्दाफाश देखिए आप। ये कह रहे हैं गढ़ चिंचले की सरपंच जो है वो चित्रा चौधरी है, सत्य है भाजपा की है। चित्रा चौधरी ने गृह मंत्री को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि जो अभियुक्त है उनके परिजनों की तरफ से और सीपीएम के जो गुंडे हैं उनकी तरफ से उनको लगातार धमकाया जा रहा है, उनको सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई। और चित्रा चौधरी के खिलाफ यदि चित्रा चौधरी उसमें इन्वॉल्व है तो FIR होना चाहिए। FIR उनके खिलाफ है नहीं, एविडेंस उनके खिलाफ है नहीं। अगर चित्रा चौधरी वहां की सरपंच इसलिए वो अभियुक्त है तो विनोद निकोले भी अभियुक्त है। विनोद निकोले वहां के विधायक है और विनोद निकोले खुद कह रहे हैं आपके चैनल पर कि वो दो दिन बाद वहां गए, यानी इनको वहां पर घटनास्थल पर अपने विधानसभा क्षेत्र के घटनास्थल पर जहां पर सीपीएम के वर्कर और एनसीपी के वर्कर घटनास्थल पर मौजूद है वहां पहुंचने में दो दिन लगता है। और चित्रा चौधरी ये पत्र लिखकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से कहती है कि मुझे अभियुक्तों के परिवार की तरफ से धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, उनको अभी तक सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई और धमकाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। आपने लोगों को छोड़ दिया किसी को हत्या कर दे और आप निंदा करके निकल जाएंगे। विनोद निकोले जी ये तो गजब है, मैं पूछ रहा हूँ क्यों हो गया, अतिरिक्त पुलिस बल क्यों नहीं बुलाया गया, आप कोई जवाब नहीं देते। बार बार बोल चुका हूँ कि जिस इलाके में ये घटना हुई है वहाँ आजू बाजू में कोई सीपीएम का वर्कर नहीं है, अभी उसकी जांच जारी है, इंक्वायरी जारी है, वो सामने आएगा। घटनास्थल पर है, घटनास्थल पर जहाँ ये घटना हुई है वहाँ पे कोई सीपीएम का वर्कर नहीं है। लेकिन विनोद जी मेरे को अभी भी नहीं समझ आ रहा है, मैं तो सिर्फ एक ही सवाल आपको दो तीन घंटे वहाँ पर ड्रामा चला, वहाँ के सीपीएम के गुंडे वहाँ बेचारे जो गरीब आदिवासी है वो तो खेत में हल चलाते हो गए, गुंडे में चलाते हैं लोगों को। विनोद निकोले जी आपको वहाँ पहुँचने में दो दिन क्यों लगा? हाँ मैं देखो मेरा वो मतदार मैं जांच रहता हूँ, 50 किलोमीटर दूर है वो, मैं दूसरे दिन गया वहाँ पे। विनोद जी मैं अभी भी आखिरी मिनट है, ना एक मिनट सिर्फ एक सवाल विनोद जी, अगर संतों की जान 70 साल के एक संत की जान खतरे में थी तो क्या एक टेलीफोन अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगाने के लिए नहीं किया जा सकता था? पुलिस ने उनको भीड़ को हैंडओवर क्यों नहीं किया? अतिरिक्त सुरक्षा बल क्यों नहीं आया अगर वहां घंटों ड्रामा चला है तो? सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए, इसका क्या जवाब है? अगर आपकी सरकार चुस्त है, दुरुस्त है, प्रशासन सक्षम है, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए मैंने पहले भी बोल चुका हूँ इसके ऊपर कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने अच्छी भूमिका ली है और उन्होंने ये भी बताया है कि जिन लोगों ने अच्छी भूमिका ली है, जिन लोगों अपराधियों को बचाने का प्रयास किया है और अभी शुरू किया है, गृह मंत्री ने वो याद भी जाहिर कर दी और है। अभी तक अरे सर इसका जवाब दे दीजिए ना, अतिरिक्त सुरक्षा बल क्यों नहीं मंगाया गया? सिर्फ रमेश जी इसका जवाब दे दीजिए, विनोद जी इसका जवाब दे दीजिए कि अगर जान खतरे में थी तो अतिरिक्त सुरक्षा बल क्यों नहीं मंगाया गया? देखिए वहाँ पे पुलिस मौजूद थी, वहाँ पे पुलिस मौजूद थी उस टाइम में, मौजूद थी। अगर पुलिस पूरा डिपार्टमेंट वहां मौजूद था सर, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? विनोद जी बताइए ना, इतनी बर्बर और निर्मम तरीके से हत्या कैसे हो गई? कोई तो कारण रहा होगा, चोरी हुई नहीं आप बता रहे हैं, अफवाह थी, क्या किया 15 दिन से ड्रामा चल रहा था? तो विनोद जी जवाब तो दे दीजिए, इसकी जांच चल रही है और जो भी इसके पीछे है वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा, इसकी जांच चल रही है। ठीक है, विनोद निकोले जी विधायक सीपीएम के, देवेंद्र फडणवीस ने लेफ्ट पर हिंसा का आरोप लगाया है, लेफ्ट की हिंसा का लंबा इतिहास रहा है ये उनका कहना है, लेकिन विनोद निकोले जी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अगर संतों की जान को वहां पर खतरा था तो वहां पर सिर्फ एक टेलीफोन करके अतिरिक्त सुरक्षा बल क्यों नहीं मंगाया गया? पालघर भी 1 घंटे की दूरी पर है और मुंबई भी 1 घंटे की दूरी पर, क्यों? इस सवाल का जवाब शायद महाराष्ट्र सरकार के पास, उनके जनप्रतिनिधियों के पास, प्रशासन के पास बिल्कुल नहीं है।